और ग्राम ओदली के पास खनन का डंपर स्कूटी सवार बुजुर्ग के लिए यहाँ पर यमदूत बन गया है। तेज रफ्तार डंपर ने यहाँ पर स्कूटी सवार को कुचल दिया और हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अवैध खनन की यहाँ पर यूपी तक तस्करी के लिए यहाँ पर माफिया ग्रामीण मार्गों को यहाँ पर अंधाधुंध वाहनों को दौड़ाते हैं, जो कि यहाँ पर हादसों का कारण बन रहे हैं। जिम्मेदार विभाग सड़क हादसे रोकने के लिए यहाँ पर अवैध खनन ढो रहे वाहनों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर घटनास्थल के नजदीक यहाँ पर गांव के खेत में यहाँ पर अवैध खनन के भंडारण है। सोमवार को ग्राम नगला नानक मत्ता निवासी 58 वर्षीय चेतराम पुत्र राम सिंह स्कूटी से जा रहे थे और चेतराम के दामाद जो है वसुदेव ने बताया कि यहाँ पर ग्राम औदली के पास पहुंचते ही खनन से भरे तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर ने यहाँ पर उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी और ओवरलोड खनन का डंपर चेतराम के शरीर से गुजर गया, जिसके चलते उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गए थे बरौनी में, इनके इश्तेहार में सभी मिट्टी दिलवाने गए थे, लेकिन जब वहाँ से वापसी आ रहे थे उस दौरान ये दुर्घटना हो गई। अब दुर्घटना क्यों हुई, इसकी वजह की बहुत सारी रीजन है। इसके एक तो पहली बात यह है कि ट्रक जो था, जो भी डंपर में था, वो ओवरलोड था। दूसरी बात हाई स्पीड का, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये लोग रेती का काम कर भी रहे हैं तो कम से कम हाई स्पीड नहीं होनी चाहिए। एक मिनिमम जो स्पीड है उसको तय कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ है ये ओवरलोड नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि जो एक्सीडेंटल जो जोन है वहाँ पर कम से कम ब्रेकर वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए।